बाकी सारे काउंटर भी इसी तरह ये हम जिससे भी पूछेंगे वही साहब ये कल से नहीं होगा इनकी कल नहीं आनी आप जिससे मर्जी पूछ लें वो आनी हाथों से कैसे निपटेंगे जो है ना वो यही कहेंगे जब हम ऐसा करते हैं आनी हाथों से निपटने की कोशिश करते हैं या करते हैं फिर ये कहते हैं आपकी मेहरबानी है वो 20 बंदे इकट्ठे होके आ जाते हैं हमें एक दिन दे दें हमें चार घंटे दे दें हमें सिर्फ दो घंटे दे दें आइंदा ऐसा नहीं होगा। साहब आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये सारी की सारी कार्रवाई देखिए मीडिया को हम सलाम पेश करते हैं फिर मोहसिन लाहौर जनाब अली अकबर कुरैशी साहब को जैसे लाहौर को सलाम पेश करते हैं कि जिनकी हिदायत पर ये ऑपरेशन हो रहा है जी बेशक। ये क्यों ऐसा होता है कि मीडिया कहे तो आप एक्शन करते हैं अदालतें कहे तो एक्शन करते हैं फिर लोग कहते हैं कि अदालतों का काम नहीं ऐसा लेकिन ये अदालतों के उसमें आता है कि लोगों के आने जाने के जो राइट है इसको तहफ़ दिया जाए आप लोग शुरू से ये काम करते ना तो आज ये यहाँ तक नौबत ना आती जी। हमने पहले फुट दिया फिर 5 फुट दिए फिर पूरी दुकान बनाने दे दी तो हम चाहेंगे कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया कि ये आज खुलेआम कानून का मजाक उड़ा रखे। ये मेरे भाई जितने बैठे हैं बुनियादी तौर पर ये सारे मेरे भाई दाढ़ियों वाले कानून पे मुंह चढ़ा रहे हैं हमें ये बता रहे हैं कि कानून क्या चीज होती है। ये लोग आएंगे पत्थर लेंगे पैसे लेंगे फिर वही कारोबार करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए अपने रोजगार के लिए सोचना चाहिए अच्छे शहरी बनना चाहिए। ये सब खड़े हैं ये सभी कहेंगे मीडिया को देखे कल से नहीं होगा लेकिन इनकी कल आज तक आई नहीं है। यस तो फिर आप भी कुछ कहें ना आपने जो फरमाया ठीक फरमाया जहाँ तक आपने कहा कि ये आएंगे भत्ता ये हमारे जो सारे मामलात हैं इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वाल सिटी के पास है ये हमारे पास रावी जोन के पास नहीं है। इन यहाँ एक ईंट भी लगती है तो उनकी नज़र में होता है हमारा काम है सिर्फ इनक्रोचमेंट को रेगुलेट करना के हाथ में ये लोग है ना मैंने इनके साथ जहाँ आके इनके एक सुनिए इनके सुनिए इनकी इनकी इनके जो सदूर हैं उनके साथ जहाँ आके 14 से ज्यादा प्रोग्राम किए हैं और बड़ी मुश्किल के बाद आज उन 14 का सिला मिला है कि कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि देखिए पहले जैसे मैंने भाई से कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के खात्मे में हम सबका किरदार है जहाँ पर बिजनेस फ्लोरिश करता था इनके पहिया चलता था मुआशरे का आज सबके सब इसलिए रुका हुआ है कि यहाँ गाहक आ ही नहीं सकता गाहक की गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती और हम अपनी मोटरसाइकिलें साइकिलें खड़ी करके दूसरों के लिए रास्ते बंद करके क्या जन्नत कमा रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कब तक चलता रहेगा कब तक हम मुल्क को लूटते रहेंगे कब तक मुल्क के वसाइल का नाजायज बेजायज इस्तेमाल करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी हुकूमतों को भी फासब चाहिए था कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाते कि आज कानून की पर इम्प्लीमेंटेशन होती कानून की रिट कायम होती लोग कानून के ताबे होते और फहद शहबाज बार बार आप हमें और हमारे जमीन को आपको झंझोड़ना आना पड़ता। ये क्या बैरियर दोबारा से लगे हुए हैं सर हर सारे लगे हुए हैं ये बैरियर्स का क्या करेंगे जी जडवार साहब बैरियर्स लगे हैं हर जगह जी नो गो एरिया जी बिल्कुल जी आपने सही फरमाया जैसा कि मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो भी मार्केट यहाँ पर अंदर से लिंक मार्केट निकलती है जो है ना उसके आगे इन्होंने बैरियर जो लगाए हुए हैं और ये इनकी मैं ये कहूँगा बदमाशी है। मैंने जैसे आपको बताया हम इंशाल्लाह आज और कल रात को इंशाल्लाह हम जो है ना रैंडमली रात 12 बजे के बाद आएंगे और हम यहाँ पे कोई चीज़ जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे कोई चीज़ जब ये लोग सोए होंगे जो है ना उसके बाद हम कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो भी जो है ना गैर कानूनी हो। इसका कोई हल जब तक नहीं करेंगे ट्रैफिक अंदर आने का तो इसका कोई कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसे ये पार्क हुई है ये देखें जी दुकानों की जो भी को झगड़ते हैं वो झगड़ते हैं आपकी जमीन पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं और कोई पार्किंग स्टैंड भी ना हो तो वो तो जवाबदात में नहीं आता। एक्चुअली हर एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अपना अपना काम कर रही होती है हमारा काम है मूवेबल जो इंक्रोचमेंट है या जो है ना हमारा काम है उसको रेगुलेट करना। अच्छा हमारा काम है उसको रेगुलेट करना। ये जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो गाड़ियों का इशू है ये एसपी ट्रैफिक और इनका एक अपना इदारा है जो है ना वो इसको जो है ना हरकत में है। चौहान साहब हमने जैसे माल रोड पर इनकी काफ़ियों से लाइनिंग और साइन बोर्ड लगवाए हैं तो ये आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक को रवान रखने के लिए मेंटेन रखने के लिए क्यू में खड़े करने के लिए तो क्या लाइनिंग और साइनिंग किसका काम किस इदारे का इस पर काम है कॉरपोरेशन का LD का है टीपा का है तीनों इदारे में से चौथा तो कोई नहीं है ना जी। मैं वो बताने जा रहा हूँ एक्चुअली मैक्सिमम इंक्रोचमेंट जो है ना वो ट्रैफिक की है वो ट्रैफिक की इस तरह से कि ये तो इस बात को भी जो है ना नहीं झुटलाया जा सकता
के बरामदों में इन्होंने जो है ना अपने सामान रख के इस जगह को जो है ना कंजस्टेड किया हुआ है और जो है ना इसको घेरा हुआ है और लोगों के लिए आने जाने के लिए जो है ना बड़े मसले मसाइल बने हुए हैं। लेकिन असल आप डे टाइम में कभी आकर देखें, तीन तीन रो मोटरसाइकिलों की लगी हुई है, जस्ट लाइक अभी दिन में क्या like अभी चौहान साहब देख ले, जस्ट लाइक ये देखें this. अब ये हाँ। ये लोगों को कौन समझाए? अब हम आप इतनी ज्यादा पार्किंग इधर करवाएंगे, बाइक लगेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, तो यही होगा ना फिर? बाइक्स और पार्किंग की निजाम ही नहीं है कोई। फहद एक बात, जवेद साहब भी यहाँ काफी अरसे से ड्यूटी दे सर अंजाम दे रहे हैं, एक चीज है देखिए, एक चीज जेन्युइन है, वो है कि पार्किंग का इशू है और ये चीजें मेरे ख्याल है कि यूनियन को हुकूमत के साथ मिल बैठकर कोई ऐसी प्लेस बनानी चाहिए थी, कोई पार्किंग प्लाजे बनाने चाहिए थे, लेकिन हम फिर भी क्यों में चीजें खड़ी करके तो हम उसके बेहतर इस्तेमाल के साथ इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शऊर चाहिए। अब आपने जैसे प्रोग्राम किए, उन प्रोग्राम के बाद एक शऊर तो आया ना, आज माल रोड पर आपने देखा कि ये डबल लाइनें नहीं लगती, अब लगती हैं तो मोटरसाइकिल उठा लिए जाते हैं, पार्किंग कंपनी को भी शऊर के बाद रवायती बेहिसी का क्या करें? वो तो रहेगी, वो उस वक्त तक रहेगी जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा और सख्ती से नहीं आएगा। कानून पर इम्प्लीमेंटेशन में ही सबकी भलाई है, सबका भला है, रोजगार भी चलेगा, मसाइल भी हल होंगे, क्राइम भी कम होगा, लेकिन ये सबके सब कंटिन्यूटी है। चौहान साहब एक हफ्ता मुसलसल ये एक्शन करें, यकीन जानिए कि यहाँ पर आपको रोड क्या ट्रक चलते हुए नजर आएंगे। ये है हमारा कल्चर, हम सख्ती के कायल हैं और हमें सख्ती करनी पड़ेगी, हमें लोगों को इस तरफ माइल होना करवाना पड़ेगा कि भाई ये जो इंक्रोचमेंट होती है ये गैर कानूनी है, ला कानूनियत है, और ला कानूनियत के बाद कानून को हरकत में आना चाहिए, सजाएं मिलनी चाहिए, लोगों को पाबंद सलासल होना चाहिए ताकि लॉ की रिट कायम हो सके। चौहान साहब ये आप करेंगे, मुसलसल करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर शायद इसका कोई इंशाल्लाह बेहतरी की गुंजाइश हर काम में होती है, हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम सुबह 5 बजे से इन एक्शन है, हमने इसका जो है ना जो गैर कानूनी दुकानात थी थड़े थे वो भी मुसमार किए हैं, जो रह गए उनको उन्हें भी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर यही एसी साहब ने फैसला किया कि इसको फिल वक्त जो है ना इसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, नेक्स्ट फेज में जो है ना हम इंशाल्लाह इसको जो है ना कोई भी हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी मुल्क की बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं ने इस ऑपरेशन के खिलाफ बात की कि ये लोगों का रिस्क छीना जा रहा है। देखिए लॉ में भी यही है कि जो सड़क पे कारोबार किया जाता है वो गैर, आप देखें सूरत बाहर, आप ये अभी सामान उठा देता हूँ, ये पूरा ऊपर भी कवर है, हमने बहुत सारे ग्राहक कुछ रह भी गए इन्हें पता है, और हम ये भी नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कह रहा था कि हमारी जो सियासी कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, उनको भी लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अपने वोटर्स को। ये कोई पॉपुलैरिटी नहीं है कि अगर एक्शन हो रहा हो तो हम गैर कानूनियत को प्रमोट करें, कहें कि नहीं ये खिलाफ कानून है। भाई सड़क पे कारोबार करना दहशत गर्दी है, क्योंकि आप तारें देखें, तारों का जमीन पे गिरी हुई है, यहाँ पर किया था इसलिए जो है ना ये तारें गिर गई है, लेकिन किसी महकमे ने आगे इसको संवारा नहीं तारों, लेकिन यह जाहिर है ये वेबडा की जिम्मेदारी है, टेलीफोन की जिम्मेदारी है, ये जो केबल्स वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है, तारों का हाल देखिए। अब ये बजाते खुद इंसान के लिए मौत का बायस बन सकते हैं, और फिर हमने देखा कि जहाँ जब भी आग लगी तो लोगों ने शिकवा किया कि रेस्क्यू वाले नहीं आए, पुलिस वाले नहीं पहुंचे, सलाम महकमा नहीं पहुंचा, महकमा कैसे पहुंचेगा जब आपने लोगों के लिए कोई रास्ते नहीं छोड़ा, और यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ कैसे पहुंचेगी? तो हम चाहते हैं कि लोगों को शऊर आना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों को गैर कानूनी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, और हर जगह पार्किंग का जो है वो आप देख सकते हैं कब्जा है, हर जगह पार्किंग है, और इसकी वजह से ट्रैफिक का मसाइल भी हैं, लोगों को भी मसाइल हैं, और उसमें जब तजावजात ऐड अप हो जाते हैं तो हालात जो हैं वो खराबी की तरफ जाते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, पार्किंग है ही नहीं इधर सिरे से, और अगर कोई प्लाजा प्लूजा है भी तो वो उतनी इतनी जगह नहीं है कि ये सारी चीज़ें वहाँ लग सकें। समझता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो हमारे कारोबारी हजरात हैं ये सुबह गाड़ियों में आते हैं, अगर ये गाड़ियों में ना आए, अगर कोई ऐसा बंदोबस्त कर लें, यहाँ कोई गाड़ी चला ली जाए, यहाँ जो मैथमेट ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो कोई ऐसा बंदोबस्त, ये सामान किसका पड़े? जी जी ये सामान किसका? ये सुबह नहीं था, बात करें आप हैं जी इसके मालिक, मैं बताता हूँ जी इसके बारे आए बाहर हैं जो मालिक हैं जी, इनको 20 दफा मैंने मना किया, ये सामान लेकर उधर तरह रखते हैं, कोई इंक्रोचमेंट वाला नहीं आता, कोई इनको नहीं पूछता, जैसे चौहान साहब हमारे साथ फिर रहे हैं, इतनी रेडियां हैं, इंतहा का कोई आदमी इंक्रोचमेंट वाला कार्रवाई नहीं करता,
इसलिए इनकी सर ऐसे ही है सर। मालिक इधर है नहीं, आप कहते मालिक नहीं इधर, मालिक भागे हो गए जी। सामान अंदर रखा करें सर, सामान अंदर रखेंगे जैसे बाहर नहीं हो। जवेद साहब का शिकवा एक लाश से बड़ा जनमन है, इनका काम है ट्रैफिक की रवानगी को मेंटेन रखना, रवान दवा रखना। इंक्रोचमेंट इनका वो उस पर जिम्मे में नहीं आता, इंक्रोचमेंट चौहान साहब के जिम्मे में आता है। अब चौहान साहब को चाहिए कि जैसे आपने 14-15 प्रोग्राम्स किए और आपको थ्रेट्स भी आए, आप पे हमले के भी कोशिशें की गई, हम आपको सलाम पेश करते हैं, लेकिन जो हमारे हुकूमती इदारे हैं या तो इनमें कैपेसिटी नहीं है या फियर में मुतला है या करप्शन में मुतला है, चौथी तो कोई ऐसी रीजन हो नहीं सकती। और फिर जो हम बात पहले कर रहे थे, ये देखें ट्रैफिक की वजह से और पार्किंग की वजह से, यही वजह है ना। मलिक साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा जी किसी न किसी चीज में तो मुबतला है। बात यह है कि हम दुकानदारों से जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर हम करप्शन में मुबतला हों तो वो कह के मिस्टर हम आपको पैसे देते हैं, किस बात का किस जुबान में बात कर रहे हो आप? अच्छी बात की, किस जुबान में बात कर रहे हैं आप? हम आपको मंथली दे देंगे सुरजा। और ये सारे आप टू बी फ्रैंक बता देखें मेरा मेरे लिए सर, इस वक्त कैमरे के आगे और मैं जो आप बात करता हूँ मेरी जात के लिए किसी से भी इनसे मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी एक रुपया भी हराम है। अगर जो है ना हम जो ना आपके प्रोग्राम के साथ ये सामान किसका है? ये देखिए मैं आप एक बात कर रही हूँ, आपके प्रोग्राम के साथ से हम इन दोस्तों को वेलकम कहते हैं कि ये उमती इदारों के साथ मिल बैठे हैं और कोई ऐसा प्लान तैयार कर लें। ये जो आप 24 घंटे के लिए गाड़ियां आके पार्क कर देते हैं, आपके सास नहीं है कि आपकी अपनी गाड़ी की रुकावट की वजह से ऊपर क्या आपका क्लाइंट भाग रहा है? देखिए मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, सुबह कुछ भी नहीं था। देखिए हम करें बात इनसे, किधर हर दुकान के ऊपर आइए, हर दुकान के ऊपर एक जो है ना इन्वेजिलेटर तो नहीं है तो उतार लेंगे, ये भी कहेंगे जी कल कर। सही बात। सर कैसे हैं जी आप? जी आप हैं जी माशाल्लाह से, आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं जी, हज के लिए तस्बीहें भी देते हैं, टोपियां भी देते हैं और भी मामलात करते हैं। आपका जमीर मुतमईन है? आपने ये इनकोच की हुई है जगह तंगी है, बताएं आपकी जगह है वो? ये जगह आपकी है बाहर वाली तंगी नसीब बस ये नहीं है आती है, आपकी जगह है भाई मेरे, आपके शटर लाए ने सीधे सिर्फ चार जानवर लाए ने वो भी लादर गए थी। देखिए मेरी बात, देखिए मेरी, जब हमने फौत होना है हमारे पास हिसाब किताब के लिए फरिश्ता आएगा, हम ये नहीं कहेंगे साथ वाली कब्र वाले से पूछो, उसने तो 6 कत्ल किए हैं, हमने अपना हिसाब खुद ही देना है। चार जानवर से ला देंगे, क्वेश्चन समझे नहीं है आप तमाम, नहीं नहीं सुन ले मेरे पास ना लेके जाना, आप तमाम लाहौर के ताजरों को हम ये कहते हैं कि अगर आपके जेहन में ये चीज है कि आपकी दुकान के बाहर जितना रकबा है वो आपका है, तो भाई ये कानून के मुताबिक आपका नहीं है, आपका उतना ही है जितना आप बाहर, गवर्नमेंट की लैंड है और गवर्नमेंट की लैंड तमाम शहरियों के लिए है, सारे शहरी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चार टंगे भी है ना? नहीं चार टंगे भी है ना, वो भी उतार देंगे, कोई मसला नहीं। आपका कारोबार ज्यादा होगा, बारह लोग चार दे चार मन टंगे उतार देंगे, कोई मसला। और शऊर देने आए हैं मेरे भाई, वो सुने, वो ये है कि जब आप लोगों के लिए सानियां पैदा करेंगे तो आप अपने लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। मेरा रास्ता बंद करके मैं क्या हूँ? अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रिजक हूँ, मैंने कोई चीज खरीद ली है, जब मुझे पार्किंग ही नहीं मिलेगी तो मैं क्या करने आऊंगा? नहीं मेरी जान, अंदर आपको देखे इसकी बैक साइड क्या हाल है? किसी का मुंह लाल देके अपना मुंह लाल नहीं किया करते, नहीं हमारा तो मैं बात जाकर अगर 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 सुने अगर 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 नजायज तजावत खत्म हो जाए तो किसका भला है? किसका भला है अगर नजायज तजावत खत्म हो जाए तो किसका भला है? रल मिल के हो चुका पैसे लेंदे हो पैसे देना बाकी ताबेदार थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सूरत हाल जी आपके सामने है और बड़े इसको ना सिर्फ फॉलो अप करने की जरूरत है बल्कि मेरठ पे बहुत सारा ऑपरेशन इधर करना बाकी है, चूँकि पूरे का पूरा जो शाहआलम मार्केट है उस पर
कब्जा हो चुका है सारे के सारे शालम मार्केट पे, और ये कब्जा जो है वो पार्किंग की सूरत में है, वो कॉरिडोर के रास्ता ब्लॉक करके काउंटर निकालने की सूरत में है। अभी तो अगला फेज़ आएगा जिसमें बहुत सारे प्लाजों की तरफ बात जाएगी। हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर ख़राब हैं, उसकी ख़राबी की वजह कि यहाँ हर चीज़ पर कब्ज़ा है, हर चीज़ जो है उस पर कब्ज़ा है, कॉरिडोर तक फ्री नहीं है, एक एक इंच जो है उस पर कोई ना कोई चीज़ पड़ी है। आपको शालम मार्केट में कोई एक इंच भी ऐसा नहीं नज़र आएगा जो कानून के मुताबिक हो। ये आप देखें, मेरे साथ आएँ जडवार साहब, मेरे साथ आइए ज़रा, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल के तहद नज़र। आपको जिस तरफ आप राइट देख लें, लेफ्ट देख लें, आपको तहद नज़र सिर्फ सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आएंगी, तजावजात नज़र आएंगे, और पार्किंग की मद में ये गाड़ियाँ इधर कायम हैं। क्या करेंगे ये बहुत, ये देखें ना, ये बुनियादी तौर पर ये 60 फीट की रोड है वन वे जो है, अब इसमें 20 फुट इंक्रोचमेंट है 10 फुट आम लोगों को चलने के लिए, जो 20 फुट है अब उसके लिए तो कानून तो हरकत में आना चाहिए ना। लेकिन ये बड़े, मैं क्या कहूँ, मेरे पास बाकी अल्फाज नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम इतनी चोरी को इतनी ढिठाई के साथ करते हैं, इतनी सीना जोरी के साथ करते हैं, इतने सरेआम करते हैं कि हमें पहचान में हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती। हम उस शर्मिंदगी को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी दलीलें देते हैं, और हम बुनियादी तौर पर नुकसान अपना ही करते हैं। ये जवेद साहब को बिलीव करें, मैंने 2 घंटे ऑब्जर्व किया, इतनी मुश्किल से ये लोग ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कि हम इन्हें सलाम करने, ये सारे बीपी पेशेंट हो चुके हैं काम कर करके, दादा साहब से पूछ लें, फिर भी हम इन्हें गालियां दे रहे होते हैं, इन्हें बुरा भला कह रहे हैं, हालांकि ये सारे के सारे चौहान साहब जैसे दोस्त हमारे भले के लिए कर रहे होते हैं। और हमें आज के माशरे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इन तमाम मसाइल के पैदा करने से हम किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम फिर कहते हैं कि मेरे प्लाजे को आग लग गई, रेस्क्यू लेट पहुंचा, पुलिस लेट पहुंची। खंबे का हाल आप देखें, यहाँ आग ना लगे तो क्या हो, ये सूरत हाल देखें जी। अब्दुल मलिक साहब देखें जरा पीछे, देख के शर्मिंदगी आपको अजूबा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, नायबे आलम में इजाफा हो चुका है जी। देखें पीछे, ये देखें, ये जो लटक रही हैं, अब दिखाएं आप, ये पता नहीं किसका मीटर किसके नाम पे चल रहा होगा, कितनी ये मौत है, ये गलियां मोहल्लों में सड़कों पे हम मौत के उस, और ये कॉरिडोर सारे जो इन्होंने उनका ये सारे का सारा ब्लॉकेज है, आउटर लगा के सारा ब्लॉकेज किया हुआ है, बस है लाहौर का। इधर से अगर दिखा सके मेरे कैमरा में, ये दिखाएं तो आपको थ्रू आउट तारे और ये आउटर जो लगे हैं सारे, इनकी वजह से आपको सूरत हाल, ये जो बार लगे हुए हैं ये सारे के सारे नजायज हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें ये नहीं लगा सकते, लेकिन मेरे भाइयों ने लगाए हुए हैं। वो कहते हैं जी, अभी आपको एक दोस्त कह रहे थे दुकानदार हमारे कि फलां ने भी कर रखा है, हम मिसालें देते हैं कहीं उसको जाके देख लें, और ये खुद हमारे साथ कैंपेन के लिए नहीं चलेंगे, कभी ये इस पे मीटिंग नहीं करेंगे कि आए कि इंक्रोचमेंट खत्म करें, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे दुकान के आगे 4 दुकानें और बन जाएं और मैं उनसे भी पैसा कमाना शुरू कर दूं। ये इन्होंने आगे सड़क किराए पे दे रखे होते हैं, अगर कोई दुकानदार खड़ा होता है रेडी वाला तो ये मुफ्त में नहीं खड़ा हुआ, ये उससे 200, 300, 400, 500 पर डे उससे रेंट लेते हैं। तो ये सड़क पे किराए पे देना ये खिलाफ कानून है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, ये सामान भाई पड़ा, ये आप देखिए सामान, और आपको मोटरसाइकिल, आपको हर चीज, कोई चीज जो है वो इसकी सुलझी हुई नजर नहीं आएगी। ये सारे के सारे लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि सामान अंदर, ये देखें सामान अंदर लेके जा रहे हैं, ये देखें तीन रो में जी पार्किंग है बिल्कुल, और उसके बाद रेडी वाला खड़ा होगा, रक्षे वाला खड़ा होगा, वो अपना कारोबार चमका रहा होगा, फिर कहेंगे जी गरीब आदमी को हुकूमतें तंग करती हैं, उनको रोजगार नहीं कमाने देते, बेचारे रेडी वाले का क्या कसूर है। ये सामान किसका पड़ा, ये इनका सामान है मार्केट वालों का, पूछे पता करें, देखिए बल्कि शॉप है मेरा सामान मेरा, ये आपकी दुकान है भाई, दुकान नहीं है, क्या जी ऐसी नीचे उतार रहे हैं।